नमस्कार, मैं रौनक कुकड़े और मुंबई के दादर इलाके से इस वक्त हम लाइव जुड़ रहे हैं। दरअसल पुणे के भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई थी उसके विरोध में महाराष्ट्र बंद का ऐलान दलित संगठनों की ओर से किया गया था और उसका असर मुंबई के कुछ इलाकों में सुबह से देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर दुकानें जो है वो बंद की है, लेकिन इस वक्त की अगर ताज़ा स्थिति आपको दिखाए तो ये दादर का इलाका है। दादर स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर दुकानें जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर व्यापारी खोलने लगे। सुबह के वक्त यहाँ पर दुकानें जो है वो बंद थी और सिचुएशन जो है इस इलाके की अगर बात की जाए तो सुबह से यहाँ पर आवाजाही जो है वो चल रही है। टैक्सीज जो है वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पर लोगों को मिल रही है। टैक्सीज सुबह ये बताया जा रहा था कि टैक्सी जो है वो रास्ते पर कम दिखाई दे रही है, लेकिन दादर और दक्षिण मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य तौर पर जो जीवन है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन चेंबूर, घाटकोपर और सायन और पवई का जो इलाका है वहाँ पे कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की खबर जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो सुबह के वक्त ठाणे, बोरीवली और गोरेगांव जो स्टेशन है लोकल्स के, वहाँ पर ट्रेन रोको का भी आंदोलन किया गया। इसकी वजह से सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन दोनों कुछ देर के लिए अफेक्टेड हुई है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो ट्रेन जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग सामान्य तौर पर जिस तरह से बैठ के गप्पे करते हैं वो यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पुलिस भी जो है वो तैनात की, हमारे साथ कुछ लोग है। सर, क्या नॉर्मल तरीके से दादर में कोई दिक्कत आपको दिख रही है बंद का? सर, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी कई थोड़ी दुकानें बंद है एज ए प्रिकॉशन आई थिंक, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज यू कैन वेरी वेल सी इट्स मूविंग अराउंड। लेकिन नॉट अ वेरी दिस थिंग। सर, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों को तकलीफ देना ये ठीक है या बंद करना चाहिए? बराबर नहीं है, इट्स रॉन्ग। Why should common man suffer? This is all political stunts. आपको क्या लगता है, आपने क्या लग रहा है कि बोले पहले दादर का जो इलाका है वहाँ पर सुबह व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी थी, टैक्सी दिख रही थी आपको, क्या सुबह से नॉर्मल है? सुबह नॉर्मल है, डर से बंद किया जो है ना टैक्सी का। आई कैन टेल यू बिकॉज ऑफ आई मीन डिस्ट्रक्शन फॉर दिस थिंग they are not running the taxis, that is main. दुकानें भी अभी देख रहे हैं आप, सुबह कोई दुकानें खुली हुई थी, बाद में अभी मालूम नहीं कुछ क्या कहाँ से कुछ खबर आती है या नहीं, लेकिन इसके वजह से some shops are closed, not all, you can see this. ये जो घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? क्या इस तरह से जातीयवादी चीज़ें जो हो रही है महाराष्ट्र में जो दिख रही है, क्या ये ठीक लग रहा है? देखिए, 200 साल पुरानी बात जो थी वो अभी उसको दोहराने में कोई फायदा ही नहीं है ना। व्हाट इज द यूज? सोशल मीडिया 200 साल के पहले, और वो भी ब्रिटिश से जो हुआ था, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट लेने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे और जो ब्रिटिश का विक्ट्री हुआ था उसके ऊपर ये विजय ये बनाना वो कोई बराबर चीज ही नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कुछ बंद का असर दिख रहा है आप लोग को, कैसा सामान्य? सामान्य तौर पे तो बंद ही है सर। हाँ, बंद का असर तो ही है। सब 8 दलित भाइयों ने, 8 आदमी पार्टी ने मिलकर बंद का ऐलान किया तो सब टोटली बंद ही है। ओके, आप कहाँ कहाँ के रहने वाले, कहाँ कहाँ आपको बंद? नहीं, कहाँ से आ रही है? दादर में रहते हैं? दादर वडाला में। वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वहाँ पे भी सब बंद है, दुकानें पूरी तरीके सब टोटल बंद है। तो भाई अपने कि बंद रहने में पीसफुल ही है ना, सब कोई लफड़ा ना हो इसके लिए सब लोगों ने बंद रखा है, सपोर्ट किया इसको। आप देख सकते हैं कि लोगों का एक उन्हें ऐसा लगता है कि तोड़फोड़ ना हो जाए, इसलिए कई व्यापारियों ने, दलित संगठनों ने जो बंद का ऐलान किया था उसके समर्थन में खुद ही अपनी दुकानें जो है वो बंद रखी है। लेकिन दादर की अगर बात की जाए या माहिम की अगर बात की जाए तो इस इलाकों में जो दुकानें हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर खुलना शुरू हो गई है। आप दादर टीटी के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। सामान्य तौर पर जिस तरह का ट्रैफिक होता है वो उतना ट्रैफिक भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन लोग अब जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि मुंबई में सिचुएशन जो है वो
नॉर्मल होती जा रही है, इसलिए लोग अब घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। सुबह की अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह से भीड़ सुबह सुबह के वक्त दिखाई देती है, पीक आवर जो होता है, उतनी भीड़ आज सामान्य तौर पर ठाणे स्टेशन की बात की जाए या दादर स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर नहीं दिख रही थी। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे खबरें सामने आ रही है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, टैक्सियाँ मिल रही है लोगों को, ऑटो मिल रहा है, इसलिए लोग जो है अब घर से बाहर निकलकर अपने कामकाज पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर दुकानें जो है वो खोली है, कुछ व्यापारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे फेमस ज्योति दुकान है जहाँ पर काफ़ी लोग खाने पीने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। भैया आप लोगों ने क्या खुली रखी है, किस तरह की कोई तकलीफ? नो प्रॉब्लम सर। मालिक है दुकान के, उनसे समझना चाहेंगे सर क्या सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? हमने चालू, आप लोगों ने चालू किया है, बंद का फिलहाल कोई ऐसा असर, लोग जबरदस्ती बंद नहीं कर रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती किसी तरह का कोई बंद नहीं करा रहा है, इस तरह का लोगों का कहना है। लेकिन पवई की अगर बात की जाए, जो अभी फिलहाल जो खबर आई है, वहाँ पर कुछ बसों पर पथराव दलित संगठनों की ओर से किया गया, कुछ बसों को निशाना बनाया है पुलिस का ने भी यहाँ पर। स्कूल आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे जो है वो नॉर्मल तरीके से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या इन्हें पता है? बेटा आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप लोग की स्कूल शुरू है? महाराष्ट्र बंद की बात हो रही थी, क्या बस वगैरह मिली है? अभी तो जा रहे हैं बस के लिए, अभी तो बस के लिए जा रहे हैं फिलहाल, क्या पता। वो फिर भी हम लोग स्कूल रखे हैं, प्रीलियम शालो स्कूल में। कहाँ पे आपका स्कूल? डीपी भाई हाई स्कूल। और आप कहाँ रहते हैं? मैं शिवडी में रहती हूँ। और आपका क्या नाम? शिवडी वंशिका। तो आप सुबह कितने बजे आपका स्कूल शुरू होता है? तो सुबह ही कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो टैक्सी सब मिल रहा था? पेरेंट्स छोड़ के गए, वैन आई थी स्कूल की, बस मिस आए थे सब। ओके, अभी आपसे समझना चाहेंगे कि आप यहाँ ही काम करते हैं? हमारा दुकान, क्या दुकान खुला है, क्या किस तरह का कोई? अभी तक तो खुला है सुबह से, हाँ, लेकिन मॉल बंद जैसा ही है। अच्छा, हाँ, खुलने का कोई चांस नहीं है, सब आजू बाजू में सब दादा टीटी बंद है। कस्टमर वगैरह? कस्टमर कोई आने का सवाल ही नहीं है, सब एरिया ही बंद है, कौन रिस्क लेगा यहाँ पर? आप रिक्स लेने वाला ही नहीं है। दुकानें जरूर खोली है लेकिन जो ग्राहक वो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, इस तरह का व्यापारियों का यहाँ पर कहना है। स्कूल, कई स्कूल्स जो है वहाँ पर स्कूल बस बंद होने की वजह से आज जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं ऐसे लोग ज़रूर छोड़ने के लिए बच्चों को स्कूल की तरफ निकले हैं। तो इस तरह के कोई कुछ हालात जो है वो मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। मिला जुला बंद का असर जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। रौनक कुकड़े, मुंबई।